हेलो गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो क्या आप लोगों को पता है कि मीरा भाईंदर में कैफे हॉलिडे का न्यू आउटलेट ओपन हो चुका है? अगर आप लोगों को नहीं पता तो चलिए आज मैं आई हूँ कैफे हॉलिडे एक्सप्लोर करने, ताकि मैं डिटेल में अपना एक्सपीरियंस और सभी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। और ये जो लोकेशन है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। यहाँ पे तो ऑफर है ऐसा कुछ लिखा है, तो चलिए अंदर चल के देखते हैं क्या सच में ये ऑफर अवेलेबल भी है या नहीं। सबसे पहले एक्सप्लोर करते हैं इनका एम्बियंस। सो गाइस, मैं कैफे हॉलिडे पहले भी विजिट किया है, बट मैं तब वर्सोवा आउटलेट विजिट की थी और मैंने वहां का एक्सपीरियंस अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड किया है। तो अगर आप लोग ने वो वीडियो नहीं देखा हो तो आई बटन पे मैं लिख दे रही हूँ, तो वो भी जाके जरूर देखना। वैसे एम्बियंस का कलर तो दोनों का सेम ही है, बट मुझे ये वाला आउटलेट का एम्बियंस बहुत ज्यादा पसंद आया। और तो और ये आउटलेट वो वर्सोवा वाले आउटलेट से काफी ज्यादा बड़ा है। अभी तक आपने जितना देखा ये इनका आउटडोर सिटिंग अरेंजमेंट था। पहले जब मैंने बाहर से कैफे को ये देखा था तो मुझे लगा था कि ये जो आउटडोर सिटिंग अरेंजमेंट है ये फुल्ली ओपनड है, एंड आई वॉज लाइक कि मैं दोपहर को जाने वाली हूँ लाइक लंच टाइम पे, तो पता नहीं मुझे बहुत ज्यादा धूप लगेगी गर्मी होगी, बट ऐसा कुछ नहीं था गाइज। अंदर जाने के बाद ये ऊपर का जो उनका अंदर से रूफ है वो फुल्ली पैक्ड है एंड ऑल्सो फुल्ली एयर कंडीशनर है, विच इज रियली वेरी अमेजिंग कॉन्सेप्ट। इस तरफ से ना ये डोर है, यहाँ से आपको अंदर जाना है एंड इस तरफ से अंदर भी एक अच्छी खासी सिटिंग अरेंजमेंट है। लाइक एक या दो जन हो आप तो यहाँ पे आप कंफर्टेबली इजीली बैठ सकते हैं अगर आपको आउटडोर नहीं पसंद है तो। एंड इस तरफ पे आप देख सकते हो कि ये बार सेक्शन भी है, मतलब खाने वालों की तो मजे है ही, पीने वालों की तो डबल मजे होने वाली है। तो गाइस, अभी तक आप लोगों ने आउटडोर और इनडोर सिटिंग अरेंजमेंट तो देख ली, अभी चलते हैं ऊपर। मैंने आपको बताया था ना कि ये वर्सोवा वाले आउटलेट से कई गुना ज्यादा बड़ा है। यस गाइस, अभी ये ऊपर ये सीढ़ियों से जाने के बाद आपको ये ऊपर भी सिटिंग अरेंजमेंट मिल जाती है जो काफी ज्यादा सही लग रही है। अभी तो ये बंद था जब हम लोग विजिट किए थे, इसलिए हम लोग ऊपर नहीं गए थे, बट हम लोग शूट कर रहे थे इसलिए उन्होंने हमें अलाउ किया ताकि मैं आप सब लोग को दिखा सकूं ऊपर का एम्बियंस कैसा है। तो गाइस, अगर मुझे पूछोगे तो मुझे उनका आउटडोर सिटिंग अरेंजमेंट सबसे ज्यादा पसंद आया, बिकॉज वहां पे स्विंग था एंड ऊपर से आप ये देख सकते हो एम्बियंस बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। और ये जो लटके हुए है ना वो उनके फैंस है यार, और लाइट्स भी सब कुछ कितना इनोवेटिवली डेकोरेट किया, मतलब वाव यार, इट्स रियली लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। मुझे ना उनके फैंस बहुत अच्छे लगे, आई वाज लाइक भले उस पे हवा नहीं आ रही थी वो फैन में लेकिन वो काफी ज्यादा अमेजिंग और काफी ज्यादा क्रिएटिव लग रहे थे बेसिकली वो। तो गाइस, अभी मैं आ गई हूँ फिर से नीचे और चलिए मैं आप लोग को दिखाती हूँ जहाँ पे मैं बैठी थी। दिस वॉज दैट स्विंग सिटिंग अरेंजमेंट विच वॉज सो अमेजिंग यार, मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया। एंड ऑल्सो दिस कैफे इज रियली वेरी बेस्ट टू हैंग आउट विद योर फ्रेंड्स फैमिली, ऑल्सो इट इज अ परफेक्ट प्लेस टू गो ऑन अ डेट विद योर पार्टनर, बिकॉज एम्बियंस तो ब्यूटीफुल है ही और तो रोमांटिक सॉन्ग्स प्ले होते हैं यहाँ, जिससे कि आपको यहाँ की जो वाइब है वो बहुत अच्छी लगेगी। चलिए अभी इनका मेन्यू देखते हैं, इनके पास वैरायटीज ऑफ डिशेज अवेलेबल है जैसे की सूप, सैंडविच, बाउ, डिमसम, सुशी, पास्ता, पिज्जा एंड या कैफे है तो कॉफी एंड बेवरेजेस तो होंगे ही, और भी बहुत कुछ है। ऑल्सो इनके पास बार मेन्यू भी है अलग से जिसमें वैरायटीज और ड्रिंक्स अवेलेबल है, मतलब खाने वालों की तो मजे है ही है, पीने वालों की भी बहुत ज्यादा मजे होने वाली है। वैसे तो ये कैफे थोड़ा एक्सपेंसिव है क्योंकि मैं ऑलरेडी वर्सोवा वाले आउटलेट विजिट की हूँ तो मुझे उसका आइडिया है, एंड मैं यहाँ पे भी आई तो उसके पहले मैं सारा रिसर्च करके ही आई थी। सो गाइस, जो भी मैं ऑर्डर करने वाली हूँ आज एंड में मैं उसका बिल दिखाऊंगी कि कौन सा कितने प्राइस का था एंड ऑल्सो क्या टैक्सेस वगैरह लगे और टोटल मेरा बिल क्या हुआ है। चलिए फटाफट से अभी ऑर्डर करते हैं पहली डिश। तो गाइस, सबसे पहले मैंने यहाँ से मंगाया चिकन चिली बाव, यहाँ पे हमें 5 पीसेस मिले थे विद दिस रेड चटनी, दिखने में तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है और सर्विंग भी काफी अच्छी की गई है। तो सबसे पहले मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करके आप लोगों को दिखा देती हूँ। इसके अंदर जो स्टफिंग भरी है ना, चिकन चिली एंड ऑल, काफी अच्छे अमाउंट में भरी है। लेट्स हैव अ बाइट एंड टेस्ट करके देखते हैं। जैसे मैंने इसका पहला बाइट लिया आई जस्ट रियली लव्ड इट, लाइक काफी ज्यादा यम्मी, टेस्टी, जूसी था एंड ऑल्सो बाहर का जो आउटिंग कवर है वो प्रॉपर कुक था, अंदर का चिकन भी प्रॉपर था और सो काफी फ्लेवरफुल था। सो दिस वाज द बेस्ट चिकन बाव आई एवर हैड। तो गाइस, आप लोगों को मैं यहाँ पे बहुत हंसे हुए दिख रही हूँ, खुश दिख रही हूँ क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करने जा रही हूँ इस टॉप 6 से खाने को, मैंने आज तक कभी ट्राई नहीं किया। और ये मैंने मंगाया हुआ है प्रॉन्स टेम्पुरा सुशी, तो चलिए इससे ट्राई करते हैं क्या मेरे से हो पाता है कि नहीं, बट काफी ट्राई करने के बाद भी मुझसे तो ये नहीं हो पाया। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? अभी मैं ये सुशी को अपने इंडियन तरीके से ही खाने वाली हूँ हाथ से, और ये जो सॉस दिया हुआ है उसमें हम इसको डुबा के अच्छे से टेस्ट करेंगे। वैसे तो मेरा सुशी के साथ बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा है, बिकॉज इसके पहले भी मैं एक आउटलेट विजिट की थी, आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ दैट आउटलेट, अंधेरी में ही था कहीं तो, बट ये टेम्पुरा सुशी मुझे बहुत अच्छी लगी एंड वॉज रियली वेरी टेस्टी, बिकॉज उसका राइस प्रॉपर कुक था एंड ऑल्सो ऊपर जो प्रॉन्स डाले थे ना अच्छे से क्रिस्पी एंड काफी फ्लेवरफुल लग रहे थे, ऊपर से वो सॉस थोड़ा ज्यादा खट्टा
रहा था, बट आई रियली लव दैट कॉम्बिनेशन, बहुत अमेजिंग था। मेरा जो सुशी के साथ इतना बुरा एक्सपीरियंस रहा उसके बाद तो मैंने सोचा था कि मैं सुशी कभी खाऊंगी ही नहीं, बट ये खाने के बाद मैं सोच रही हूँ अभी वाह 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 यार, सुशी इतनी टेस्टी भी होती है, एंड डेफिनेटली अगर ये इतनी अच्छी है तो मैं इसकी और भी वैरायटीज और अलग अलग आउटलेट में खाना जरूर पसंद करूंगी। क्या आप लोग को भी सुशी पसंद है? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। सो गाइस लास्टली मैं ट्राई करने वाली हूँ ट्रिपल चॉकलेट मूस, ये मैं पहले भी ट्राई कर चुकी हूँ, आप देख सकते हो तीन लेयर्स लगा है, एक डार्क चॉकलेट, फिर एक मिल्क चॉकलेट और लास्ट में व्हाइट चॉकलेट। तो चलिए अभी इसका एक बाइट लेके देखते हैं। मुझे पर्सनली ये वाला डेजर्ट यहाँ का बहुत अच्छा लगता है, ये थोड़ा ओवर स्वीट है, अगर आप लोग को मेरी तरह स्वीट ज्यादा पसंद है तो आप लोग को ये अच्छा लगेगा, अगर नहीं तो शायद आपको ये नहीं अच्छा लगे, बट दिस इज द बेस्ट डेजर्ट, आई रियली लव दिस। सो गाइस आप लोग को ये तीन डिशेस में से सबसे ज्यादा क्या पसंद आया कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि एंड में मैं आपको पूरा बिल दिखाऊंगी, सो यर इज माई टोटल बिल। यस, थोड़ा एक्सपेंसिव तो था बट वर्थ था और मजा आया। आई हैड रियली वेरी ग्रेट डे एट कैफे हॉलीडे, एंड दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। वीडियो पसंद आई हो तो गाइज लाइक कर दो, शेयर कर दो और हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।